भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये आठवां सबसे बड़ा राज्य और 4 करोड़ से भी अधिक निवासियों के साथ ये 11वां सबसे बड़ा स्थान है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की, जिसे उत्कला के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इंडिया के नेशनल एंथम जन गण मन में इस स्थान का उल्लेख इसी नाम से किया गया है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ उड़ीसा की तट रेखा 485 किलोमीटर मतलब 301 मील है, और इसी कारण ये राज्य अपने प्राचीन मंदिरों के साथ साथ अपने वन्यजीवों अभयारण्यों, आदिवासी संस्कृति और समुद्र तटों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस जगह पर बहुत सारी इतिहास और कहानियाँ संरक्षित हैं, और इन सभी संरक्षित प्राचीन भारत का अनुभव करने के लिए हम उड़ीसा नाम के इस राज्य में प्रवेश करेंगे। Hey guys, I hope all of you are doing fine and having an absolutely fantastic day. This is Dr. Wilson, aka Dr. Vlogger, and welcome to my vlog. So right now I am back at the place जहाँ से मेरा vlogging का journey start हुआ था, and this is Odisha. Odisha में अभी हम लोग गोपालपुर beach में है, पीछे आप लोग को दिख रहा होगा ये गोपालपुर beach। हम लोग आए थे ब्रह्मपुर से यहाँ पे आने में अराउंड हाफ एन आवर जैसा लगा, और 15-16 किलोमीटर जैसा है। हम लोग ऑटो लिए थे, ज़्यादा हम लोग कम करवाने का कोशिश नहीं किए, थोड़ा सा कोशिश किए थे लेकिन वो 500 मांग रहे थे, हम लोग बोले 400 जैसा कर दें, तो वो बोले ठीक है 450 में कर देंगे, वैसे थोड़ा कम किए, उतना भी नहीं, हम लोग सोचे तो और भी थोड़ा कम होगा, 200-300 में हो जाएगा। बट वट एवर डेट भी अब हम लोग होटल में पहुँच गए हैं, यहाँ पर हमारा सीट फेसिंग बीच है और तुम डायरेक्ट होटल से बीच में उतर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाद में आप लोगों को होटल दिखाएंगे। ट्रैवलिंग का बात करें तो हम लोग को ज़्यादा तो ट्रेन मिला नहीं क्योंकि सीट काफ़ी तर बुक हो चुका था। हम लोग को लास्ट में शालीमार से एक ट्रेन मिला था, वो शालीमार से आपका छोड़ता है 3 बजे 3:20 में और पहुँचता है यहाँ पे ब्रह्मपुर में आपका अराउंड 12:05 एकदम भोर में, मतलब एकदम मिड नाइट 12:05 में। तो हम लोग 12:05 पहुँचे, फिर वेटिंग एरिया में रेस्ट लिए, एंड देन 6 बजे हम लोग यहाँ से एक ऑटो बुक करके बीच तक पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते, इस बार सोचे थोड़ा अलग तरह से वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वॉइस ओवर देंगे, सिनेमेटिक्स होगा,
स्लो होगा, पेस में नहीं रहेगा, आप लोग को भी देखने में थोड़ा मजा आए, सिनेमेटिक्स आप लोग को देख के लगे कि मूवी देख रहे हैं, कोई ट्रैवल व्लॉगिंग देख रहे हैं। लेकिन साथ में हम इसमें जितना मुझे मालूम है इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे। बहुत जगह मिस होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया है, फिर भी आप लोग देखिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगे। वैसे अभी 9:30 बज रहा है और बहुत रिमिल वेदर, मतलब क्लाउडी वेदर किया है और ये सारी छोटी छोटी दुकान है लेकिन अभी तक खुले नहीं है। जब खुलेंगे तो मुझे तो खाने का मन कर रहा है, खुलेंगे तब खाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा एरिया बना है, सीटिंग एरिया भी है, यहाँ से आप उतर के सीढ़ी जैसा उतर के आप बीच में जा सकते हो। पीछे जो दिख रहा है वो हमारा होटल है, ब्लू रंग का होटल है और हम वहीं पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू सी बीच गोपालपुर और यहाँ पे वैसे खाली है, थोड़ा क्लाउडी वेदर किया है तो खाली है। बाद बाकी बीच में अभी भी लोग हैं, थोड़ा मज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और साइड में बहुत सारे दुकान हैं छोटे छोटे। रास्ता यहाँ से ही मेन रोड गुजरता है तो पास में दुकान भी है, होटल्स भी है। बाय द वे, दिस बिहाइंड मी इज अ छोटा सा टेंट और यहाँ पे आप कुछ भी खाना पीना हो तो आप वो कर सकते हो, छोटा मोटा चिप्स विप्स वगैरह पानी खरीद सकते हो। और साथ में आपको अगर ये बुक करना है, यहाँ पे एक चेयर का दाम 20 रुपीज़ करके होता है, तो ऐसे सामान रखना होता है तो इधर उधर तो रख नहीं सकते क्योंकि अभी हम लोग का चप्पल पहन के जाने वाला था, बच गया। तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा चेयर लेकर, स्पॉट लेकर 20 रुपया में उसको पे करके वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पे आपका पास में ये बीजू एडवेंचर पार्क है, यहाँ पे आए हैं कुछ यहाँ पे फन एक्टिविटीज़ ट्राई करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और एंट्री फी अराउंड 10 रुपीज़ लिया है, अराउंड नहीं 10 रुपीज़ ही लिया है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, कॉपीराइट हो जाएगा इसलिए जाते हैं अभी और एडवेंचर एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं। बारिश पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, हम लोग बारिश में फंस गए हम। और बाय चांस हम लोग को ऑटो मिल गया। भात दाल आलू पटल का सब्जी, आलू फूल गोभी का सब्जी एंड आलू भिंडी भुजिया।
ओके लेट्स हैव आवर डिनर। सो गाइस फाइनली आज का व्लॉग यहाँ एंड करते थे। आज कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ट्रैवल करके हम लोग ब्रह्मपुर से गोपालपुर में आए और यहाँ पे हम लोग बीच एक्सप्लोर किए, खाना पीना किए, उसके बाद यहाँ पे होटल बुक करके आपका स्टे किए। और अभी दो दिन का होटल है, वैसे तो अभी तक होटल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कल देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे होटल के स्टाफ्स का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। बस बाकी कल तक वेट करते हैं, फिर आप लोगों को फाइनल हम होटल दिखा के रिव्यू देंगे कैसा लगता है, और आप लोग को भी बताएंगे कि अगर ये जगह ठीक है कि नहीं, आपके आने लायक है कि नहीं। तो अभी तो हम लोग डिनर विनर कर चुके हैं और रेस्ट करने जाएंगे, कल देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, यहाँ पे हम लोग गूगल से अब ढूंढ ढूंढ के घूमेंगे, पैदल पैदल देखेंगे, और जो जो थोड़ा सा डिस्टेंस में है उसे हम लोग कवर करेंगे ऑटो या फिर बस से। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को यह व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन में क्लिक करने मत भूलना, ताकि जब भी हम न्यू व्लॉग अपलोड करें आप लोग को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद। अराउंड 1 आवर जैसे लगता है।